कई बार क्या होता है कि हमारा जो सपना होता है हेल्दी स्ट्रोंग और लॉन्ग बालों का, वो अधूरा रह जाता है। करते कुछ बहुत कुछ है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है, बहुत सारी रेमेडी ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन किसी भी रेमेडी ने आज तक मेरे बालों पर असर नहीं डाला है। तो अगर रेमेडी असर नहीं डाल रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपके बॉडी में खून की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन डी और प्रोटीन, ये चार चीजें ऐसी होती हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर आ जाए तो आप चाहे कितना कुछ कर लें, आपके बालों में वो रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकता जैसा कि आप चाहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड चेक करवाना है और हो सके तो सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना उसके थ्रू वो सारी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं जा पाते हैं। हाँ, अगर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो अपने खाने को इतना बेहतर बना दें कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन हो, विटामिंस हो, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको सप्लीमेंट तो देखिए लेने ही पड़ेंगे, और लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी और प्रोटीन, ये चार चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो हर DIY आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं आज के हमारे DIY की तरफ, जो आपकी काफी हेल्प करने वाला है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, लॉन्ग बनाएगा, वॉल्यूम लाएगा, चमक लाएगा, ब्लैक बनाएगा, डैंड्रफ रिड्यूस करेगा, मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन आप अपने बालों के लिए इसको बोल सकते हैं। और आपका जो पहला इंग्रेडिएंट्स होगा वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर प्रोटियोलैक्टिक एसिड एंजाइम्स होता है जो आपकी डेड स्किन जो जम चुकी है, जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे स्किन के ऊपर हम स्कर्ब करते हैं, बहुत सारी लड़कियां स्कैल्प के ऊपर स्कर्ब नहीं करती है, जिससे क्या होता है ग्रोथ रुक जाती है, फोलिकल्स बंद हो जाते हैं, जो वो डेड स्किन है ना उसको सिर्फ एलोवेरा ही उतार सकता है। धीरे धीरे करके उसको फाड़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि उसको हटाना, कम्प्लीटली हटाना स्टार्ट कर देगा, और वहां से आपके नए फोलिकल्स आएंगे और नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एलोवेरा एक काम ये भी करता है बड़े अच्छे से कि ये आपके बालों को नमी देता है, मॉइस्चर देता है, और जितना आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे मॉइस्चर होगा ना, यकीन मानिए उतने ही आपके बाल हेल्दी होंगे, उतने ही आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे और उतने ही आपके बाल लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। मॉइस्चर काफ़ी ज़रूरी होता है बालों के लिए, अंकुरित होने के लिए। अब एलोवेरा क्या करेगा, वॉल्यूम भी लेके आएगा, शाइन भी लेके आएगा, मैनेजेबल बनाएगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको पैकिंग वाला सूट करता है तो आप पैकिंग वाला यूज कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करना पसंद करती हूँ। देखिए, प्रकृति ने हमारे लिए इसको एक बेहतर इंग्रेडिएंट्स के रूप में दिया है, जिसे आप खा सकते हैं, जिसे आप लगा सकते हैं और पूरा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एलोवेरा आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम इसको लेंथ पे भी लगाएंगे और हमें इसे स्कैल्प पे भी लगाना है, तो उसके हिसाब से आप 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच जितना भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होगा, देखिए हमने हमारी डेड स्किन को उतार दिया, ठीक है, अब जो फोलिकल्स आपके आएंगे, नए बाल जो उगेंगे, उन्हें भी तो न्यूट्रिशंस चाहिए, उनको भी मतलब कि हेल्दी स्कैल्प होनी चाहिए आपकी। और हेल्दी स्कैल्प कौन बनाएगा, नीम। नीम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है। अच्छा, जो लड़कियाँ बार बार बाहर जाती हैं, ऑटो में बैठ के जाते हैं, हम कई बार पसीना आता है, धूल मिट्टी पोल्यूशन चिपक जाता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे स्कैल्प पे हो जाता है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हमारे स्कैल्प भी इतनी गंदी हो सकती है, हमारे स्कैल्प पे तो डैंड्रफ तो है ही नहीं है, तो बैक्टीरिया कैसे आएंगे, पता नहीं चलता है। कई बार बैक्टीरिया आ जाता है और ना चाहते हुए भी हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हेयर फॉल आ जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसीलिए स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए नीम आपकी मदद करेगा। मेरे पास ड्राई लीफ है, आप चाहे तो पाउडर ले सकते हैं नीम का, आप चाहे तो फ्रेश लीफ भी यहाँ पे नीम की यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है नीम। अगर आप लगाना शुरू कर देंगे आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकियों में शो हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा आपका लेमन। अब बहुत सारी लड़कियों के दिमाग की बत्ती जलने वाली है, यार लेमन नहीं लगाना, नहीं लगाना, बाल वाइट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। यार आप 21वीं सदी में हैं, कुछ तो समझिए, कुछ तो सोचिए कि लेमन क्या कमाल कर सकता है आपके बालों में। अगेन, एंटीबैक्टीरियल होता है, विटामिन सी विटामिन डी होता है, आपके बालों की जो डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, लेमन पूरी कर सकता है विटामिन बी की। ऊपर से मतलब अंदर से करने के लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, या फिर आप ऑरेंज खा सकते हैं, बीट रूट खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, उनके अंदर भी विटामिन सी होता है, या फिर आप गवावा खा सकते हैं। ओके, तो साथ के साथ हम अंदर से भी काम करेंगे और ऊपर से भी काम करेंगे। तो आपको लेमन लेना है, हाफ लेमन लेना है, लेकिन आपको इसके अंदर
10 to 15 ड्रॉप डालनी है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, डालने के बाद आपको हल्का सा पानी लेना है, फिल्टर वाला पानी, सिंपल पानी जो हम पानी पीते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक सॉल्यूशन सा तैयार करने के लिए पानी ही आपको लेना है, डाल देना है और फिर आपको इसे अच्छे से घुमा देना है मिक्सी के अंदर। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसे हमारा टोनर होता है ना जैसा, बिल्कुल पानी के जैसा हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको इसे एक स्प्रे बोतल में भर लेना है। स्प्रे बोतल में इसीलिए, वैसे तो आप इसे अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, कॉटन के साथ लगा सकते हैं अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है। अगर है तो आप इसको स्प्रे बोतल में भर लीजिएगा। अब लगाने का तरीका क्या रहेगा, देखिए चाहे आपने अपने बालों पे ऑयल लगाया है, चाहे नहीं ऑयल लगाया है, चाहे पता नहीं मैं क्या क्या तो बोल जाती हूँ क्या कि नहीं, तो आपको क्या करना है रात के टाइम पे अच्छे से इसको स्प्रे कर लेना है। मतलब कि अपने बालों पे स्प्रे करने के बाद मालिश जरूर करनी है आपको, और पूरी हेयर लेंथ पे भी आपको इसे लगाना है। अच्छा, जो लेमन है ना उसका एक और बेनिफिट मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो आपके स्प्रे सैंड की प्रॉब्लम को हटाता है। जी हाँ, पक्का, अगर आपको हल्के हल्के स्प्रे सैंड है तो उसको कम्प्लीटली हटाने में लेमन आपकी मदद कर सकता है। रात में लगाना है, सुबह उठ के आप वॉश कर देंगे अपने हेयर माइल्ड शैम्पू के साथ। ये है इसके लगाने का तरीका। आप इसे अपने बच्चों पर भी लगा सकते हैं। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चों के बाल टूट रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कैल्प पे डैंड्रफ आ गया है, लीक आ गई है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज अपने बच्चों की स्कैल्प पे डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन 5 साल से ऊपर अगर आपके बच्चे हैं तो ही आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इसके अंदर नीम लिया है और लेमन लिया है, हो सकता है कि अगर आप इसको छोटे बच्चों पर लगाएंगे तो वो उनको थोड़ी सी एलर्जी कर जाए। ठीक है, आप इसको वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हैं और लगातार लगाना है 2-3 महीने के लिए अगर आपको ये शूट कर जाता है तो। जरूर आपको इसे ट्राई करना है और जो भी जैसा भी आपका फीडबैक होता है वो मेरे साथ आप लोगों को शेयर करना है। मुझे हमेशा इंतजार रहता है आप लोगों का। और हाँ, हमारे चैनल पे मैं 8-week चैलेंज आप लोगों को दे चुकी हूँ और इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं जिसने भी ट्राई किया है, तो जाइए देखिए एक बार। मतलब कि 8-week चैलेंज आप भी ले सकते हैं, 4 वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे, 1-week, 2-week, 3-week और 4-week, और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से आपको वही सारी चीज़ें करनी है। ओके, तो जाइएगा देखिएगा जरूर, और इसका रेमेडी का रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। डाइट के ऊपर भी आपको काम करना है और बाहर से भी आपको लगाना है, और फिर देखिए आपको कितने कितने और कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो और आशा करती हूँ कि आपको कुछ ऐसा ही रिजल्ट्स मिलेगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और बेहतरीन अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक ये बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।